अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, जॉब इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल की तरफ से आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। जैसा कि आपको मालूम है, डेली बेसिस पे आपके साथ जॉब इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है, तो आज भी एक नई जॉब इन्फॉर्मेशन जो हमें मौसूल हुई हम आपके साथ सबसे पहले शेयर करने जा रहे हैं। और ये जॉब जो है गवर्नमेंट ऑफ सिंध में अनाउंस की गई है, इसमें आप ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी सिंध हैदराबाद में ये पोजीशन ने अनाउंस की गई है, और लेकिन इसमें मुख्तलिफ सिटीज़ के लिए ये पोस्टें हैं। ठीक है जी, सबसे पहली पोस्ट है डिस्पैच राइडर की, 4 ग्रेड की पोस्ट है। इसमें एक ही पोस्ट है कराची के लिए अनाउंस की गई है, प्रेफरली बाय लिटरेट विद वैलिड मोटर ड्राइविंग लाइसेंस। जिसके पास मोटरसाइकिल का ड्राइविंग लाइसेंस होगा वो इसमें अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा ड्राइवर की पोस्ट है, 4 ग्रेड की 7 पोस्टें हैं, कराची की 2, हैदराबाद की 3, सक्खर की 1, लाड़काना की 1। ठीक है जी, और इसमें भी वैलिड कार लाइसेंस LTV होना ज़रूरी है विद 5 साल का तजर्बा। इसके अलावा कुक की पोस्ट है 4 ग्रेड में, 1 पोस्ट है हैदराबाद के लिए और इसमें 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है कुकिंग का। इसके अलावा चेनमैन की पोस्ट है 2 ग्रेड में, 1 पोस्ट हैदराबाद के लिए और ये भी। इसके अलावा है नायब कासिद की 1 ग्रेड में, 17 पोस्ट हैं जिसमें कराची की 6 हैं, बदीन की 3 हैं, सांगढ़ की 2 हैं, सक्खर की 1 है, TM खान की, टंडो मोहम्मद खान की 1 है, मीरपुर खास की 2 हैं, शहीद बेनज़ीराबाद की 1 हैं और उमरकोट की 1 है। और ये भी समझदार होना चाहिए, पढ़ा लिखा हो और 18 से 28 साल की एज हो। इसके अलावा कोतार की पोस्ट है 1 ग्रेड में, 18 हैं, इसमें टंडो अला यार के लिए 2 हैं, टंडो मोहम्मद खान की 3 हैं, मटियारी की 1 है, बदीन की 3 हैं, उमरकोट की 3 हैं, सांगढ़ की 2 हैं, बेनज़ीराबाद की 1 है और जैकबाबाद की 3 हैं। ठीक है जी, इसके अलावा चौकीदार की 1 ग्रेड में 13 पोस्ट हैं, कराची, हैदराबाद, टंडो मोहम्मद खान, शहीद बेनज़ीराबाद, जैकबाबाद, लाड़काना, कश्मोर और मीरपुर खास। इसके अलावा मलाई की पोस्ट है 1 ग्रेड में, 1 है हैदराबाद के लिए और स्वीपर की 3 पोस्टें हैं 1 ग्रेड के लिए, कराची की 1 और हैदराबाद की 2। आपने करना क्या है, कैंडिडेट हैविंग डोमिसाइल ऑफ डिस्ट्रिक्ट कंसर्न एज पर कॉलम नंबर 5, पॉइंट नंबर सीरियल का जो है उसमें आपने डिस्ट्रिक्ट वाइज अप्लाई करना है। ठीक है जी, बाकी आपने अपने तमाम डॉक्यूमेंट और अपनी CNIC की कॉपी, इसको अटेस्टेड करवाना है गजटेड ऑफिसर से और इसको आपने सेंड कर देना है इनके दिए गए एड्रेस के ऊपर, क्योंकि बग़ैर अटेस्टेड अगर आप भेजेंगे तो वो आपकी एक डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा आपने अपने पोस्ट का नाम भी ऊपर लिखना है जिसके लिए आप अप्लाई करेंगे, अपना नेम, फादर नेम, क्वालिफिकेशन, कॉपी ऑफ डोमिसाइल, PRC, CNIC एंड ड्राइविंग लाइसेंस भी आपने साथ में अटैच करना है और इसको आपने सेंड करना है रजिस्ट्रार ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी सिंध, शाबाज बिल्डिंग, ब्लॉक 8, ठंडी सड़क, हैदराबाद। ठीक है जी, ये सारी डिटेल है जिसको आप चेक कर सकते हैं, इस पे आपने सेंड करना है। तो ये थी आज की लेटेस्ट जॉब इन्फॉर्मेशन, इस पे आप करें अप्लाई। और इसी तरह की लेटेस्ट जॉब इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, ताकि रोज़ आपको इसी तरह की कई अपडेट्स जॉब के हवाले से मौसूल होती रहें। आज के लिए इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।